बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 7.10 सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.10 का इंट्रोडक्शन किया हुआ था और उसके साथ में उससे जो रिलेटेड दो क्वेश्चंस या दो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे, एग्जांपल नंबर 29 और एग्जांपल नंबर 30। आज हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 7.10 पे, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वेयर प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 1। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल्स जो फाइंड करना हमने सीखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने फाइंड करना सीखा था और दो दो मेथड हमने लगाए हुए थे और ये भी हमने डिसाइड किया था कि इन दोनों मेथड्स में सबसे सुइटेबल मेथड कौन सा है और हम उसी को यूज करेंगे। दूसरा वाला मेथड हम यूज करेंगे जिसमें हम लिमिट्स को भी चेंज कर लेते थे, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1। हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहें तो सब्स्टिट्यूशन करके भी सॉल्व करें और हम चाहें तो बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी कर लो, बिना सब्स्टिट्यूशन के कर लेते हैं क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें तो सब्स्टिट्यूशन करना ही है हमको। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया हमने और 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स फ्रॉम 0 to 1। जिस 2 से डिवाइड किया वो यहां है, जिस 2 से मल्टीप्लाई किया वो ये लिखा हुआ है, पूरा का पूरा वही फंक्शन। अब इसको आप ध्यान से देखिए, यहां डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। अगर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करें तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा 2x और वही 2x तो ये लिखा हुआ है, 1 का तो 0 रहेगा। तो जो भी डिनोमिनेटर में हमारा पूरा एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x होगा और वही न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। आप सभी बच्चों को याद होगा, हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन में कभी भी अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आता है f प्राइम x अपॉन f ऑफ x dx, नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन लिखा हो तो इसकी वैल्यू आती है log फलन, ये इसका आंसर आया करता है, ये इसका इंटीग्रल होता है। आज यहां पर भी सेम वही सिचुएशन है, नीचे फलन है ऊपर उसी का अवकलन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकल गुणांक 2x, तो ऐसी सिचुएशन पे इसका आंसर होगा log फलन। फलन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे फ्रॉम 0 to 1, ये लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा अब इसे सॉल्व कर लें। अब आप देखें, आपने जब ये रूल लगा लिया तो आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हाँ, जिनमें हमारा ऐसे काम बनेगा ही नहीं उनमें हम बेशक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब इस पे लिमिट अप्लाई करना है मुझे, तो सबसे पहले वेरिएबल्स की जगह अपर लिमिट लिखना है, तो ये लॉग एक्स की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वेयर करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस फिर इसमें हम 0 लिखेंगे तो log इसकी जगह x की जगह 0 लिखेंगे आप, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 बन जाएगा ये। अब आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं log 2 की जगह पर तो हमने log 2 लिखा, log 1 की जगह पर हम 0 लिख देते हैं, इस तरह से ये वैल्यू आ गई 1/2 log 2। एक्सरसाइज 7.10 का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 1, उसका आंसर आया 1/2 log 2। हम इसके आंसर को जरा मैच करके भी देख लेते हैं कि क्या ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। 7.10 हमारी एक्सरसाइज है, 1/2 log 2 ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ
अंडर रूट साइन फाइव कॉस टू द पावर फाइव फाइव इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन फाइव इंटू कॉस टू द पावर फाइव फाइव इंटू डी फाइव फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को मिला लेता हूँ। अंडर रूट साइन फाइव इंटू कॉस टू द पावर फाइव फाइव इंटू डी फाइव फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, ये क्वेश्चन, और इसे मुझे कैलकुलेट करना है। आप थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे कि मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अंडर रूट साइन फाइव इंटू, ये जो कॉस टू द पावर फाइव फाइव लिखा हुआ है इसे हम लिख देंगे कॉस स्क्वेयर फाइव टू द पावर टू इंटू कॉस फाइव इंटू डी फाइव फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू। आप ध्यान से देखें, कॉस स्क्वेयर फाइव का होल स्क्वेयर, तो ये कितना बन जाएगा, कॉस टू द पावर फोर और एक कॉस और बगल में है, तो फोर और एक मिलके फिर से कॉस टू द पावर फाइव फाइव बना लेंगे। ये बाकी सारी चीजें सेम वैसी ही हैं जैसी पहले थी। यहां पे अंडर रूट साइन फाइव इंटू, बेटा कॉस स्क्वेयर फाइव को फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वेयर फाइव इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर फाइव, और ऊपर जो स्क्वायर लगा है वो लगा रहने दिया हमने। यहां इसको कॉस फाइव लिखा इंटू डी फाइव फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। अच्छा, अब इतना कर लेने के बाद अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन करूंगा, तो मैंने लिखा माना हम यहां पर जो इसमें ये साइन फाइव आप देख रहे हैं इसको हम एंटी मान लेता हूं, तो इफ साइन फाइव इज इक्वल टू टी, जैसे ही टी मानेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करना है, डिफ्रेंसिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर साइन फाइव का अवकलन करेंगे तो होगा कॉस फाइव इंटू डी फाइव, और टी के लिए आ जाएगा डी टी। अब हमारे इस मेथड में, क्योंकि हमारा जब हम साइन फाइव की जगह टी और कॉस फाइव डी फाइव की जगह डी टी लिखेंगे तो अंदर का पूरा एक्सप्रेशन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल टी में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये लिमिट तो वेरिएबल फाइव की है तो ऐसे नहीं ठीक रहेगा, ये गलत होगा। फिर आप क्या करना चाहिए, अगर आपने अपने एक्सप्रेशन को फाइव वेरिएबल में टी वेरिएबल में चेंज किया है तो आप लिमिट्स को भी वेरिएबल टी में चेंज करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम चेंज कर लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे वेरिएबल फाइव है यहां पे और उसके लिए एक वैल्यू जीरो है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पाई बाई टू है, तो अगर फाइव की जगह जीरो है तब टी की वैल्यू कितनी आएगी, यहां फाइव की जगह जीरो लिखिए इसी में और टी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो फाइव की जगह जब जीरो लिखेंगे बेटा तो ये साइन जीरो बन जाएगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इसलिए टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। एंड इफ फाइव की जगह आप अपर लिमिट लिख के चेक करेंगे पाई बाई टू, इफ फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू देन टी इज इक्वल टू, तब टी की वैल्यू कितनी होगी, जब आप फाइव की जगह पाई बाई टू लिखेंगे तो ये साइन पाई बाई टू आ जाएगा और साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन के बराबर आ जाएगी, साइन पाई बाई टू वन होता है ना, तो टी की वैल्यू उस समय वन आ जाएगी। अब हम सारे सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर देते हैं। देयरफोर सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को लिख देता हूं, अंडर रूट साइन फाइव इंटू वन माइनस साइन स्क्वेयर फाइव इंटू कॉस फाइव इंटू डी फाइव फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन फाइव, साइन फाइव को बेटा मैं लिख सकता हूं टी, तो मैंने लिख दिया अंडर रूट टी वन माइनस साइन स्क्वेयर फाइव, साइन फाइव इज इक्वल टू टी, देन साइन स्क्वेयर फाइव विल बी इक्वल टू टी स्क्वेयर इंटू
cos phi into d phi, cos phi into d phi will be equal to dt, तो इसको मैं यहां पर कर दूंगा dt. लिमिट्स जो कि अभी 0 से पाई बाई 2 थी, 0 से पाई बाई 2 थी जो कि phi वेरिएबल था, अब वेरिएबल t के हो जाने पर वही लिमिट 0 से 1 हो जाएंगे. सो इट विल बिकम फ्रॉम 0 टू 1, ओ सॉरी, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर भी है यहां पर, ये हम भूल गए थे. इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी को बेटा मैं लिख सकता हूं टी टू दी पावर 1/2, और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आप ओपन करिए तो इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू 1. अब इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसे मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं और अलग अलग भी कर देते हैं, तो t टू दी पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 1/2 फ्रॉम 0 टू 1 dt. इधर से dt भी आ गया. अब ये वाला प्लस का साइन हमने लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो t टू दी पावर 1/2 इंटू t टू दी पावर 4. मैं आपको यहां पर करके दिखा देता हूं, t टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई t टू दी पावर 4 करेंगे तो बेटा गुणा है यहां पर, दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो t टू दी पावर 1/2 प्लस 4, 1/2 और 4 पावर ऐड हो जाएगी, t टू दी पावर 4 टू जार 8 1 9/2. तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा t टू दी पावर 9/2 dt फ्रॉम 0 टू 1. ओके, अब और आगे चलेंगे तो ये माइनस लगाएंगे, कांस्टेंट हम बाहर कर देंगे, इसके बाद t टू दी पावर 1/2 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, t टू दी पावर 1/2 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 1/2 प्लस 2, इसे सॉल्व करेंगे देन दिस विल बिकम t टू दी पावर 5/2, 2 टू जार 4 प्लस 1 5/2, दिस इज t टू दी पावर 5/2 इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू 1. अब इन सब के इंटीग्रल्स हमको लिखने हैं, तो इसको क्या करेंगे, x टू दी पावर n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगाएंगे, x टू दी पावर n के फॉर्मूले में क्या होता है, t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन जब इंटीग्रल इसका आ जाएगा उसके बाद ये लिमिट्स इसके राइट साइड पे आ जाएंगे, प्लस सिमिलरली यहां पर भी x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, जो कि x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू 1 माइनस 2 इंटू, इसमें भी x टू दी पावर n लगेगा, तो t टू दी पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू 1. ओके, अब आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं, ये बेटा जब जोड़ेंगे आप 1/2 प्लस 1 3/2, यहां भी 1/2 प्लस 1 3/2, बट दिस इज अ कांस्टेंट टर्म तो ये पलट के बाहर आ जाएगा, इसकी हमको जरूरत नहीं है, ये 3/2 होगा तो जब पलट के बाहर आएगा तो 2/3 आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा t टू दी पावर 3/2 फ्रॉम 0 टू 1, प्लस हमने किया, अब इसको ऐड करेंगे तो ये 9/2 प्लस 1 2 1 जार 2 प्लस 9 11/2, यहां भी 11/2 तो ये तो पलट के ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 अपॉन 11 t टू दी पावर 11/2 टू दी पावर 11/2 फ्रॉम 0 टू 1.
माइनस टू। सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये ऐड होके 5/2 + 1 है, ये 7/2 बन जाएगा। आप एलसीएम लेके ऐड करके देख सकते हैं, 7/2 में से पलट जाएगा तो 2/7, और यहाँ होगा टी टू दी पावर 7/2 फ्रॉम 0 to 1, ऐसा आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं इधर का ये इरेज कर देता हूँ इतना पोर्शन, ताकि मैं उसे कैलकुलेट करके आप यहाँ पर दिखा सकें हम आपको। आगे देखें क्या होगा, 2/3, आप इनमें लिमिट्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो पहले 1 टी की जगह पर 1 लिखेंगे, माइनस टी की जगह पर 0 लिख के सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करना सब जब जान गए हैं, तो टी की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2 प्लस 2/11, पहले टी की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 to the power 11/2 माइनस, अब इसी टी की जगह 0 लिखेंगे हम, तो ये 0 to the power 11/2, ठीक है। फिर माइनस 2 to the power 4/7 माइनस 4/7, और फिर से अंदर वेरिएबल में लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 1 to the power 7/2 माइनस 0 to the power 7/2। अब बेटा आप इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, इसकी 1 to the power 3/2 की वैल्यू 1, ये 0, तो ब्रैकेट में पूरा 1 बचा, ऐसे ही यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा। तो जब इस 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, फिर इस 1 को 2/11 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/11, फिर इस 1 को हम 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4/7। अब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेंगे हम यहां पे, एलसीएम क्या आएगा, 11 3 = 33 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21, कैरी 2, 7 3 = 21 और 2 = 23। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 77 बनेगा, और 77 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 77 2 = 154 प्लस 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 21 टाइम्स में डिवाइड होगा, वो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, नेट विल बिकम 42 माइनस 7 से डिवाइड करेंगे 33 आएगा, 33 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 4 = 132। अब इसे सॉल्व करिए तो 154 और 42 ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 196 माइनस 132/231। 196 में 132 माइनस कर देंगे आप, देन इट विल बिकम 64/231। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 64/231। तो हमारा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है बेटा वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x/(1+x²) dx फ्रॉम 0 to 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ना हम यहां पर भी एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उसके लिए हमने मान लिया x = tan θ, तो इसके कैलकुलेशन के लिए हमने x = tan θ मान लिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं यहां पर x की जगह tan थीटा लिखूंगा, 2 tan θ / 1+tan²θ, ये फॉर्मूला sin 2 थीटा का बन जाएगा, इस वजह से हमने x की जगह tan थीटा ले लिया। अब जैसे x की जगह tan थीटा लिखा, अब तुरंत मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, x के लिए dx, tan थीटा के लिए sec²θ dθ, ठीक है। अच्छा, अब साथ में लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो यहां पर पहले इसी से लिमिट चेंज करके लाएंगे, पहले x की जगह 0 लिखेंगे तो थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर x की जगह 1 लिखकर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे इफ x = 0 देन θ = थोड़ा सभी बच्चे गौर से देखें, थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स
एक्स की जगह जीरो लिखेंगे ना आप, एक्स की जगह जीरो इज इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो, और टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू तो जीरो आती है, तो थीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी। एंड इफ एक्स इज इक्वल टू वन, अब एक्स की जगह वन लिखकर भी थीटा को सॉल्व करेंगे, इफ एक्स इज इक्वल टू वन देन थीटा इज इक्वल टू, फिर से देखें बेटा, जब एक्स की जगह वन लिखेंगे, वन इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन की वैल्यू बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक्स की जगह वन लिखेंगे और बराबर के उस तरफ टेन थीटा रहेगा, तो वन की जगह पर हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, बिकॉज टेन पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन। अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई फोर, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर आ गई। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अब सारी के सारी वैल्यूज इस पे पुट अप करिए, मैं एक बार क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू 1 इज इक्वल टू, रख देते हैं तो यहां पर आएगा साइन इनवर्स, जहां भी x मिलेगा वहां tan थीटा लिख देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह पर क्या लिखा जाएगा, dx है ना, तो dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा फ्रॉम, जो अभी लिमिट वेरिएबल x के होने पर 0 से 1 तक थी, अब वेरिएबल थीटा के हो जाने पर वही लिमिट 0 से पाई बाई 4 हो जाएंगे, 0 से पाई बाई 4, ठीक है। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, बेटा ध्यान से देखें, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो इसकी जगह पर मैं नोट कर सकता हूं साइन 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, ओके, और सॉल्व कर लीजिए, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसमें 2 थीटा बचेगा, अब 2 को बाहर कर देते हैं, थीटा को अंदर रखा रहने देंगे, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। अब क्योंकि यहां दो फंक्शन हैं, दोनों मल्टीप्लीकेशन में हैं, इसलिए यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगेगा। ये दो तो हम रख देते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, प्रथम फलन दूसरे का समाकल, सबसे पहले हमने प्रथम फलन लिखा थीटा, दूसरे का समाकलन sec स्क्वायर थीटा का समाकल क्या होता है, tan थीटा, और क्योंकि इसका इंटीग्रल हो गया तो अब इसकी लिमिट हम राइट साइड पे नोट कर देंगे पाई बाई 4, माइनस इंटीग्रेशन का निशान। और एक चीज देखिए, क्योंकि इस पूरे फंक्शन के साथ 2 बाहर है तो इसके साथ भी 2 बाहर आ जाएगा, तो हमने एक टर्म तो लिख दिया प्रथम फलन दूसरे का समाकल, माइनस 2 इस वाले पद में भी हमने भेज दिया। अब इसमें इस वाले पद में क्या होता है, प्रथम का अवकल गुणांक, थीटा के रिस्पेक्ट में अवकल गुणांक क्या होगा, 1, प्रथम का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकल sec स्क्वायर थीटा का समाकल tan थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट्स 0 से पाई बाई 4 हैं तो 0 से पाई बाई 4 हम यूज कर लेंगे। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र, प्रथम फलन दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन का निशान पहले का अवकल गुणांक दूसरे के समाकल इंटू डी थीटा, वही वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, और जहां लिमिट्स लगानी थी वहां मैंने उनकी सुटेबल जगह पर लिमिट्स लगा दिया। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, इसमें जब समाकलन हो जाए तब अप्लाई कर देना, तो इसमें अप्लाई करो,
सबसे पहले जहां जहां वेरिएबल थीटा है वहां पर लिमिट पाई बाई फोर आएगी, तो पहले हम पाई बाई फोर लिखते हैं थीटा की जगह, पाई बाई फोर इंटू टेन पाई बाई फोर, हमने अपर लिमिट अप्लाई कर दिया, अब माइनस लगाया, फिर इसके लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जहां जहां थीटा है वहां जीरो लिख देंगे, जीरो इंटू टेन जीरो, लिमिट अप्लाई कर दिया हमने, माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा मीन टेन थीटा का समाकलन क्या होता है, तो जब आप समाकलन करते हैं टेन थीटा का तो उसकी वैल्यू आती है लॉग सेक थीटा, सो इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा, क्योंकि ये इसका इंटीग्रल है। अब हम लिमिट्स को फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर यहां नोट कर देते हैं, तो हमने लिखा माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा लॉग सेक थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर, सॉल्व कर लीजिए। ये तो बेटा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी जीरो हो जाएगा। अब इसे टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन, ये वन हो गया, वन को पाई बाई फोर से मल्टीप्लाई किया पाई बाई फोर आया, पाई बाई फोर को टू से कर दिया तो ये हो गया टू पाई बाई फोर, माइनस ये हमने टू लिखा। अब इसमें लिमिट अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करेंगे, पहले वेरिएबल थीटा की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, तो लॉग सेक पाई बाई फोर माइनस, अब इसी फंक्शन में वेरिएबल थीटा की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे लॉग सेक जीरो, टू से फोर को कैंसिल करेंगे टू टाइम्स में, टू टू जार फोर, माइनस टू लॉग सेक पाई बाई फोर, तो बेटा हमने लॉग की जगह लॉग लिखा सेक पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर की वैल्यू अंडर रूट टू होती है, तो ये हो गया लॉग अंडर रूट टू, लॉग की जगह लॉग, सेक पाई बाई फोर की जगह अंडर रूट टू, सेक जीरो की वैल्यू वन होती है तो हमने वन लिख दिया। अब हमने इसे सॉल्व किया तो पाई बाई टू माइनस टू, बेटा लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, केवल यहां लॉग अंडर रूट टू बचेगा, तो ये टू लिखा और लॉग अंडर रूट टू, अंडर रूट टू को बेटा मैं लिख सकता हूं टू टू द पावर वन बाई टू, अंडर रूट टू को लिखा जा सकता है। इसके बाद और आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टू हमने लिखा। अब सभी बच्चे इसको जानते हैं लॉग एम टू द पावर एन, तो log m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, जिसमें ये पावर 1 बाई टू आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 बाई टू, ये 1 2 तो हमने ये लिखा ही था, उसके बाद कितने की बात करो तो 1 बाई टू आगे आया, log 2 बाद में बच जाएगा, log 2 यहां 2 से 2 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, देन आवर आंसर विल बी पाई बाई टू माइनस log 2, दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सरसाइज 7.10 का, आप देख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने क्या किया, x की जगह पर tan थीटा लिखा, उसके बाद डिफरेंशिएशन किया, लिमिट्स भी चेंज कर लिया, अप्लाई की वैल्यू, उसके बाद यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ा और कैलकुलेट करते चले गए, जहां लिमिट अप्लाई होती चली गई वहां लिमिट अप्लाई कर दिया, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया पाई बाई टू माइनस लॉग टू। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं चलता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स फ्रॉम जीरो टू टू। हालांकि इस क्वेश्चन में एक हिंट भी हमको दी गई है, x प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वेयर रखने के लिए कहा गया है, तो चलिए उसी से कर लेते हैं। माना x प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, जैसे ही हम ये करते हैं दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, x के लिए dx हो जाएगा 2 का 0, t स्क्वेयर के लिए हो जाएगा 2t dt, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं, यहां से आप x की वैल्यू भी निकाल लें बेटा,
जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, टी स्क्वेयर माइनस टू, ये माइनस टू उधर चला जाएगा ना, तो टी स्क्वेयर माइनस टू। अब जहां भी x प्लस टू है वहां टी स्क्वेयर लिखेंगे, जहां x है वहां टी स्क्वेयर माइनस टू लिखेंगे, जहां पर dx है वहां 2t into dt लिखेंगे। हाँ, एक काम और करना है, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा फंक्शन x से t में चेंज हो रहा है, तो लिमिट को भी चेंज कर लीजिए। कैसे लिमिट को चेंज करेंगे, सबसे पहले x की जगह 0 लिख के t की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की जगह 2 लिखकर t की वैल्यू निकालेंगे। तो इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, x की जगह 0 लिखिए फिर t की वैल्यू निकालिए, तो यहां लिखिए 0 कर देंगे तो यहां बचेगा 2 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अगर है तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू 2 देन टी इज इक्वल टू, x की जगह 2 लिखिए तो 2 प्लस 2 बेटा कितना हो जाएगा 4, 4 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, देन व्हाट विल बी टी, टी विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 तो टी इज इक्वल टू टी, 2 स्क्वेयर रूट हमने ले लिया। अब हम सारी वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x प्लस 2 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो x दिख रहा है बेटा आप इस x की जगह टी स्क्वेयर माइनस 2 लिखेंगे, टी स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 की जगह पर आप टी स्क्वेयर लिखेंगे, तो टी स्क्वेयर हमने लिख दिया। डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 2t dt लिखेंगे, तो 2t dt लिख दिया हमने। लिमिट्स जो कि x वेरिएबल होने पर 0 से 2 थी, 0 से 2, अब वही पूरे क्वेश्चन में t वेरिएबल होने पर अंडर रूट 2 से 2 तक आ जाएंगी, तो ये मैंने कर दिया अंडर रूट 2 से 2। ठीक है, अब आप इसे और कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज टी स्क्वेयर माइनस 2, सॉरी टी स्क्वेयर माइनस 2, अंडर रूट टी स्क्वेयर की वैल्यू बेटा क्या आएगी, सभी जानते हैं टी आएगी, उस टी को हम 2t से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो बन जाएगा 2t स्क्वेयर dt फ्रॉम अंडर रूट 2 टू 2। अब और इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करवाइए, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और दो टर्म्स जो बनेंगे हम सेपरेट भी कर देंगे उनको, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2t टू द पावर 4, 2 हमने बाहर कर लिया, टी टू द पावर 4 dt फ्रॉम अंडर रूट 2 टू 2 माइनस, अब 2t स्क्वेयर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4t स्क्वेयर, माइनस 4 और टी स्क्वेयर dt फ्रॉम अंडर रूट 2 टू 2। ठीक है, अब और इसे कैलकुलेट करें, 2 तो हमने लिख दिया, यहां x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मींस टी टू द पावर 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 अपॉन 4 प्लस 1 5 फ्रॉम अंडर रूट 2 टू 2 माइनस 4, यहां भी x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो टी टू द पावर 3 अपॉन 3 फ्रॉम अंडर रूट 2 टू 2, 5 आप बाहर कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म की कोई जरूरत हमको नहीं है, और बाकी जो बचा टी टू द पावर 5 उसमें लिमिट अप्लाई कर दें। कैसे, पहले टी की जगह पर लिमिट लिखें तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 2 टू द पावर 5, अब इसकी जगह पे ये लिखेंगे तो अंडर रूट 2 टू द पावर 5 माइनस 4 लिखा, 3 हम बाहर कर लेते हैं अंदर जरूरत नहीं है, पहले टी की जगह अपर लिमिट लिखेंगे 2 टू द पावर 3 माइनस, अब टी की जगह अंडर रूट 2 लिखेंगे तो अंडर रूट 2 टू द पावर 3। इसे सॉल्व कर लें, 2 अपॉन 5, 2 टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, 2 टू द पावर 5 अब सॉल्व करिए, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, दिस विल बिकम 32 माइनस अंडर रूट 2 टू द पावर 5, मैं करके दिखा देता हूं आपको,
फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है आपको अंडर रूट टू का, ऐसे इसकी वैल्यू टू हो गई, इसकी वैल्यू टू हो गई, ये अंडर रूट टू बच गया, टू टू जार फोर अंडर रूट टू, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा फोर अंडर रूट टू, ऐसा माइनस फोर अपॉन थ्री, टू टू दी पावर थ्री एट माइनस, ऐसे ही आप इसको भी करके देखिए, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी टू अंडर रूट टू। अब सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 32 टू जार 64 अपॉन 5 माइनस 2 फोर जार 8 अंडर रूट 2 अपॉन 5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 अपॉन 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 अंडर रूट 2 अपॉन 3, 8 अंडर रूट 2 अपॉन 3। अब एलसीएम भी लेना है बेटा हमको, और एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, यहां पर एलसीएम मैं ले सकता हूं, 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 फोर जार 12 कैरी 1, 3 सिक्स जार 18 1 19 माइनस, फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको 3 टाइम्स, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 अंडर रूट 2 माइनस, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 5 जार 160 प्लस, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 को 8 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 40 अंडर रूट 2। और सॉल्व कर लीजिए, 192 में से 160 माइनस कर दीजिए, तो जब 192 में से 160 आप माइनस कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 32 आपको मिल जाएगा, और इसके बाद ये 24 अंडर रूट 2 प्लस 40 अंडर रूट 2, 40 अंडर रूट 2 में 24 अंडर रूट 2 माइनस हो जाएंगे तो ये बच जाएगा प्लस 16 अंडर रूट 2 अपॉन 15, ठीक है अपॉन 15। अब इस दोनों में से आप फिर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं 16 अंडर रूट 2 अपॉन में 15 है ही, अब अंदर क्या बचेगा, अंडर 15 हमने पहले ही लिख लिया, 16 अंडर रूट 2 कॉमन कर लिया, तो 16 रूट 2 से 32 को डिवाइड करने जाएंगे आप, 32 को डिवाइड करेंगे 16 अंडर रूट 2 से, इसको मैं लिख सकता हूं 16 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्यों देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 अपॉन 16 अंडर रूट 2, इससे ये पूरा कैंसिल हुआ, अंडर रूट 2 बचेगा, तो जब 16 अंडर रूट 2 से 32 को डिवाइड करेंगे ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस, पूरा 16 अंडर रूट 2 चला गया तो यहां पर क्या आ गया 1, इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो थोड़ी सी सावधानी से आप इन्हें सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि आपको बड़ी आसानी से आपका आंसर मिल गया है, ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखिए, बड़ा इजी है बेटा, इसमें हम जो ये कॉस एक्स आप देख रहे हैं इसको मैं टी मान लेता हूं, कॉस एक्स को जैसे ही टी मानेंगे उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये माइनस आप उधर अगर भेज देंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ओके। अब साथ में लिमिट भी चेंज कर लेते हैं,
तो हम चेंज कर लेंगे, इफ x इज इक्वल टू, पहले x की जगह 0 लिखकर t की वैल्यू निकालो, फिर x की जगह पाई बाई 2 लिखकर t की वैल्यू निकालो। सो इफ x इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू, बेटा रखो x की जगह 0, तो cos 0 बना, cos 0 की वैल्यू 1 हमने लिख दिया। एंड इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2 अगर मैं लिख दूंगा तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई बाई 2 की वैल्यू तो 0 होती है, तो इस तरह से t की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो वेरिएबल x के होने पर लोअर लिमिट 0 थी, वेरिएबल t के होने पर लोअर लिमिट अब 1 हो जाएगी, और वेरिएबल x के होने पर अपर लिमिट पाई बाई 2 थी, तो वेरिएबल t के होने पर अब अपर लिमिट 0 बन जाएगी। अब हम अप्लाई कर देते हैं, देयरफोर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, इसी में मुझे वैल्यूज अप्लाई करनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, तो बेटा ये साइन एक्स और डी एक्स इसको हटाएंगे और इस पूरे की जगह माइनस डी टी लगा देंगे, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू टी, तो कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा टी स्क्वेयर। अब अभी तक लिमिट थी 0 से पाई बाई 2, अब 1 टू 0 हो जाएगी, इस बार लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 0 होगी। अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसका इंटीग्रल आता है टेन इनवर्स एक्स, तो इसका टेन इनवर्स टी आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल हमने सॉल्व किया टेन इनवर्स टी फ्रॉम 1 टू 0, इस अंदर का इंटीग्रल आ गया टेन इनवर्स टी फ्रॉम 1 टू 0, और बाहर माइनस भी लिखा रहा, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस लिमिट अप्लाई करिए, सबसे पहले वेरिएबल टी की जगह अपर लिमिट लिखा जाएगा, तो ये होगा tan इनवर्स 0 माइनस, अब वेरिएबल t की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी, सभी बच्चे अब जानते हैं, या मैं आपको करके दिखा दूं, tan इनवर्स और 0 की जगह बेटा मैं लिख सकता हूं tan 0, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है, माइनस tan इनवर्स 1 की जगह बेटा हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू 0, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 की वैल्यू पाई बाई 4, अब माइनस को माइनस पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा प्लस पाई बाई 4, इस तरह से ये हमारा जवाब आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहा। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को आप मिला भी सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है पाई बाई 4। तो इस तरह से बेटा आपको मैं बताऊं, इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास पूरे 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें दो ऑप्शनल भी इंक्लूडेड हैं। तो आज हमने 5 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, आपने उनके मेथड्स देखे, जो पिछले दो एग्जाम्पल्स लगाए थे उन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं आपके, और आज हम लोग इस क्लास में 5 नंबर क्वेश्चन तक ही रख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो 6 से और 10 तक पूरे क्वेश्चंस हम सॉल्व करके दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे, थैंक यू।